यूपी की हॉट सीट ब्रॉट टू यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बार फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। इस साल से बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, एक बार फिर आए हैं, ये भी चले जाएंगे शौक पूरा करके। बुलडोजर रिपेयर होकर खड़ा भी है, उसके 10 के बाद फिर चलेगा बुलडोजर। ऐसे लोगों पर जो अपराध में लिप्त रहेंगे, जो गलत काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती रहेगी। उन्नीस सौ छियानवे से लगातार पूर्वांचल की मऊ सदर सीट पर बाहुबली मुख्तार का कब्जा रहा है। ये वो सियासी किला है जिस पर किसी भी पार्टी की लहर का कोई असर नहीं पड़ा। ये मुख्तार अंसारी के लिए ऐसी राजनीतिक समीकरण वाली सीट है जहां वो कभी निर्दलीय, कभी बसपा के टिकट पर, तो कभी कौमी एकता दल के बैनर पर चुनाव जीते। मुख्तार अंसारी ने दल बदले, लेकिन मऊ की जनता ने अपना दिल नहीं बदला। मुख्तार के चुनाव जीतने की शुरुआत के बाद से ऐसा पहली बार है जब पूर्वांचल की इस हॉट सीट से वो नहीं बल्कि उनके बेटे अब्बास अंसारी मैदान में हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश पांडे और आज हम बात कर रहे हैं यूपी की हॉट सीट में मऊ सदर विधानसभा सीट के बारे में। एक वक्त था जब मऊ सदर सीट पर सबसे पहले कांग्रेस, फिर जनसंघ और फिर लेफ्ट के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन पिछले 13 बार से लगातार यहां मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा सबसे ज्यादा 4 बार बीएसपी ने अपना परचम लहराया है, इसलिए इस सीट को बसपा का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं और उनकी जगह ओपी राजभर की पार्टी एसबीएसपी ने उनके बेटे अब्बास अंसारी पर दांव लगाया है, इसलिए सबकी निगाहें इस हॉट सीट पर टिकी है कि इस बार यहां क्या होगा। मऊ सदर विधानसभा सीट में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहां अधिकतर बुनकर और किसान रहते हैं। बुनकर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के बुनकरों का मुख्य रोजगार साड़ी उद्योग है। बाहुबली मुख्तार ने सबसे पहले इसी सीट से अपनी सियासी तकदीर को आजमाया था। पहली बार में ही यहाँ की जनता ने उन्हें 45% वोट के साथ जिताकर विधानसभा भेजा था। 1996 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर जीते, 2002 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते, 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तीसरी बार विधायक बने, 2012 में कौमी एकता दल के टिकट पर विजयी हुए, 2017 में बीएसपी के टिकट पर मुख्तार अंसारी विधायक चुने गए। 5 बार से लगातार मऊ सीट पर राजनीतिक रूप से काबिज मुख्तार का प्रतिनिधित्व इस बार उनके बेटे अब्बास करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में 3 ही सीट तो चर्चा में है, एक करहल, एक जहूराबाद और एक मऊ। अब इन तीनों सीटों पर तो बहुत कुछ होगा। अभी तो 7 तारीख तक तो बहुत कुछ होगा, कितने कार्यकर्ता के साथ क्या क्या होगा ये तो देखिए, मगर जिन जिन के साथ जुल्म होगा जनता उसका जवाब और गुस्से में देगी। और जब जनता गुस्से में वोट डालने निकलती है ना, तो वो लोग भी वोट डाल देते हैं पक्ष में जो कभी विपक्ष में रहे हैं। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। मऊ सदर सीट से बीजेपी ने अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वो एसपीएसपी के अब्बास अंसारी और बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजपर के खिलाफ चुनावी मैदान में है। अशोक सिंह मऊ के चर्चित ठेकेदार अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के भाई है। ठेकेदार मन्ना और राजेश राय की 29 अगस्त 2009 को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और हनुमान पांडे समेत 11 लोग आरोपी थे। सितंबर 2017 में मऊ की निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी समेत 8 आरोपियों को इस केस से बरी कर दिया था।
भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखते हुए पूज्य योगी जी के नेतृत्व में 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, जो विकास के काम हुए हैं वो आगे भी बरकरार रहें, इस नाते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और मऊ पे जो एक कलंक का टीका लगा हुआ है 25 सालों का माफिया का, उससे आप लोग मुक्ति दिलाएं। मऊ सदर सीट इस बार बीजेपी और SBSP दोनों के लिए हॉट सीट के साथ साथ चुनौतियों से भरी हुई लड़ाई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी के फागू चौहान ने बसपा के अब्बास अंसारी को 7,003 वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि इस बार अब्बास अंसारी का ये दूसरा चुनाव है और वो अपने पिता मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट से राजनीतिक रण जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो 3 गाड़ी की अनुमति है, 3 गाड़ी चलते हैं, अगर कोई चौथा पीछे गलती से लगा भी ले तो उसकी तो गाड़ी सीज कर दी जाती है। तो यहाँ तो 20-20, 22-22, 50-50 गाड़ी, एक दिन तो 200 गाड़ी लेके घूम रहे थे। तो जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियों से अपने बहुबल का इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं कि जनता को डरा दें, मगर मऊ की जनता डरने वालों में से नहीं है। ये तो वीरों और शहीदों की धरती है, यहाँ डरने वाला कोई नहीं है। 25 साल से बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, एक बार फिर आए हैं, ये भी चले जाएंगे शौक पूरा करके। मऊ सदर सीट बसपा और मुख्तार अंसारी का गढ़ इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ मुस्लिम और जाटव वोट बैंक ही निर्णायक है। मुस्लिम या अनुसूचित जाति का वोट एक तरफा जिसे मिल जाता है उसकी जीत तय है। 2017 में SBSP यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1,15,000 है। SC मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 1,20,000 है। यहाँ यादव वोटर्स 45,000 है, चौहान मतदाता 40,000 है, भूमिहार वोटर्स की संख्या 5,000 है और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 18,000 है। बाहुबली मुख्तार अंसारी ने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में खुद को किसान बताया है। संपत्ति करीब 12 करोड़ रुपए के आसपास घोषित की है। मऊ सीट पर 2005 में हिंसा हुई थी जिसके बाद दंगा भड़काने के आरोप में मुख्तार अंसारी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। तब से वो जेल से ही चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार जेल से चुनाव लड़ने की बजाय उन्होंने अपने बेटे को सियासी विरासत सौंप दी है। बेटे के सामने पिता का राजनीतिक रसूख बरकरार रखने का बड़ा और कड़ा इम्तिहान है। बीजेपी के लिए यहाँ पहली बार कमल खिलाने की चुनौती है क्योंकि जनसंघ को छोड़ दे तो बीजेपी के बैनर पर अब तक ये सीट कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत सका है। जो गलत रहेंगे उनकी चेक होगी और उन पर बुलडोजर भी चलेगा। बुलडोजर रिपेयर होकर खड़ा भी है, उसके 10 के बाद फिर चलेगा बुलडोजर। ऐसे लोगों पर जो अपराध में लिप्त रहेंगे, जो गलत काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रहेगी। और कार्रवाई करना प्रशासन का काम है, न मैं शासन हूँ न प्रशासन हूँ, यह काम प्रशासन का है। प्रयाग BTMT पहुँचे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। बाहुबली मुख्तार की सीट पर बीजेपी और SBSP के लिहाज से दोहरी मुश्किलें हैं। मुख्तार जेल में है, इसलिए बेटे को पहली बार मऊ सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ योगी सरकार ने तमाम तरह की कानूनी कार्रवाई की है, जिसकी वजह से वो प्रशासन की नजरों में है। वहीं बीजेपी के लिए सीट पर कोई परंपरागत वोट बैंक नहीं है। मुस्लिम वोट छोड़ भी ले तो जाटव वोट बैंक में सेंध लगा पाना आसान नहीं है। मुख्तार अंसारी भले ही मऊ सदर से इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सीट पर बेटे की जीत और हार ही उनका सियासी भविष्य तय करेगी। जबकि योगी सरकार द्वारा बाहुबली मुख्तार अंसारी पर सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद यह पहला चुनाव है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बाहुबली मुख्तार के खिलाफ CM योगी का जो बुलडोजर चला वो बीजेपी के वोट बैंक को मऊ सदर हॉट सीट पर कितना फायदा पहुंचाएगा। इस बार मऊ सदर विधानसभा सीट पर मुख्तार और बीजेपी दोनों की अग्नि परीक्षा है। यूपी की हॉट सीट
ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।